नमस्ते, मैं आपके आई डॉक्टर डॉक्टर अंकिता सरोवर। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं एम्ब्लायोपिया। ये बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है एंड द प्रॉब्लम इज दैट अगर उसे ठीक टाइम पे करेक्ट नहीं करे तो ये बड़े होते, मतलब जब आप बड़े होते हैं तब भी आपकी पूरी जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ते। व्हाट इज एम्ब्लायोपिया? एम्ब्लायोपिया या आपने कई बार सुना होगा, इसे हम लेजी आई भी कहते हैं। लेजी आई का मतलब ये है कि आपकी आंख ठीक है पर उसकी बनावट में या उसके पर्दे में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, पर आपकी आप उससे देखते नहीं है, आप वो लेजी है। आप जब दोनों आंखों से काम करते हैं तो आप एक ही आंख से काम कर रहे हो और दूसरी आंख घूम जाती है, या अगर घूमती नहीं भी है तो भी वो काम नहीं करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हम बहुत सारे लोग राइट हैंडेड होते हैं, बहुत सारे लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। मेरा लेफ्ट होते हैं, मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ, मैं लेफ्ट हैंड बहुत कम चलाती हूँ, पर अगर मेरे राइट हैंड में तकलीफ हो जाए तो मैं इस राइट हैंड को मान लो प्लास्टर करना पड़े तो मैं अपने आप गुजारे के लिए लेफ्ट हैंड शुरू कर दूंगी, लेफ्ट हैंड से काम। हमारे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में ये चीज चल सकती है कि आप 100% हो, बट आंखों में ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों ही आंखों का सेम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ठीक तरीके से या सेम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें फोकसिंग, डेप्थ परसेप्शन में प्रॉब्लम होती है, आपकी आंखों में भेंगापन कई बार दिखने लगता है। तो इस प्रॉब्लम को, जिसमें बच्चों को चश्मे का नंबर है पर वो दोनों आंखों में फर्क नंबर है, एक आंख में ज्यादा या कम या आंखों की शेप में फर्क है, इस चीज को हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं। अब ये कैसे ठीक हो सकता है? ऐसा नहीं है अगर एक आंख देख नहीं रही है या देखना नहीं चाह रही है तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते। बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया कि अगर आप मेरा राइट हैंड को बांधें तो मैं अपने आप हफ्ते, 10 दिन 15 दिन कब तक नहीं करूंगी, मैं अपने लेफ्ट हैंड को चलाने ही लगूंगी, लेफ्ट हैंड से काम करने ही लगूंगी। सेम लॉजिक गोज इन द आई ऑल्सो, कि अगर एक आई में नंबर, मान लीजिए कि राइट आई में बहुत हाई नंबर है चश्मे का और लेफ्ट आई में कम नंबर है, तो आप अपनी लेफ्ट आई से काम करने लगते हैं। दिमाग कहता है भाई इससे आपको जोर नहीं पड़ रहा है, बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी राइट आई भी काम आए तो हम दो तीन चीजें करते हैं। एज अ डॉक्टर आई वुड से कि हम पहले तो अच्छी गुड आई को पैच कर देंगे जिससे कि आप दूसरे आई से देखने लगे। सेम थिंग कि आप मेरे, जैसे आपने मेरे राइट हैंड को बांध दिया था वैसे ही हम गुड आई को पैच कर देंगे। सेकेंडली देयर आर सम कैम एक्सरसाइजेस विच आर डन इन द हॉस्पिटल, आप आएंगे हम आपको कराएंगे। तीसरी चीज की कुछ गेम्स होते हैं, कुछ वीडियो गेम्स होते हैं बच्चों कि आपको मैं बोलती हूँ वो स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज होती हैं। घर पे कुछ ड्राइंग, कलरिंग, फाइन फोकसिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे कि उस आंख में स्टिमुलेशन हो, वो आंख देखे, उसकी जो नर्व्स हैं वो पीछे तक पहुंचे एंड यू स्टार्ट सीइंग विद दैट। सो बाय एंड लार्ज इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इफ वी मेक इट कॉम्प्लिकेट। एंड सेकेंडली अगर आप इसको नजरअंदाज कर दो, आप सोचो नहीं कोई बात नहीं अभी तो बच्चा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर हम देख लेंगे, फिर कोशिश कर लेंगे, नहीं, ये कोशिश की बात नहीं है। एक बार एक आई स्टबन हो जाती है, वो लेजी हो जाती है, तो उसको स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइजेस देने के बाद भी बहुत मुश्किल होती है। सेकेंडली 11 ईयर्स तक हमने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज देखे हैं, उसके बाद इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट to stimulate that exercise because the eye becomes used to it, your body becomes used to seeing from one eye and to coordinate. तो वो कुछ time के लिए ठीक होता है और वापस से same तरीके से पहुंच जाती है। So please आप इस छोटी सी problem को नजरअंदाज मत करिए। बच्चे जब छोटे होते हैं बहुत अडेप्टेबल होते हैं, बहुत आराम से ये चीजें करा लेते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके लिए उतनी मुश्किलें बढ़ती रहती है, सोशल टैबूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सोशल प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपको इस बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए प्लीज अप्रोच मी, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, और हम मिलकर बच्चे को ठीक करेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्ते।